हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल अनूप में डेली ब्लॉग में। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अभी सुबह के 7:34 हो रहे हैं। ऐसा तो अभी ऐसा ओ हिमालया फेस वॉश चेहरे पे लगाओ, रौनक पाओ, प्रचार कर रहे थे। ये सर भी हिमालय फेस वॉश से धोते हैं अपना चेहरा, मेरा भी वही है। अभी हम लोग खाना वाना खा के आ गए हैं, नाश्ता कर लिए हैं। तो अभी नाश्ता हो ही गया है, तो नाश्ता करने के बाद तो कॉलेज जाना ही है, डेली का रूटीन है हम लोग का। तो बस चलते हैं, और क्या। क्या करेंगे हम लोग, बस बड़ा आईना नहीं है तो छोटा ही आईना से काम चल जाता है। तो बाहर बस निकाल और बनाते रहो। क्या सर? यस सर। गलत बोले क्या? नहीं सर। तो गाइस चलते हैं कॉलेज। सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी हम लोग जस्ट कॉलेज से आए, पानी मार रहा है ना उतना, अभी तेज शुरू नहीं हुआ, अभी जस्ट शुरू हुआ है, अभी तुरंत शुरू हुआ है, अभी तुरंत मारना शुरू हुआ है पानी। आज से शाम के 3:35 से पानी मार रहे हैं। पहली बारिश हॉस्टल का आज इस साल का, भयानक मारा था पानी, लग तो रहा है पूरा बारिश हो रही है। अभी अभी जस्ट शुरू हुआ है, देख सकते हैं पूरा हवा चल रहा है, मतलब भयानक टाइप से, और पानी भी गिर रहा है। तो गाइस अभी हम लोग छत में बैठ के अंगूर खा रहे हैं, बाजार से मंगाया था पार्सल, ऑनलाइन मंगाया था। बहुत मजा आ रहा है, दो ही जन जा रहे हैं जल्दी और सही टाइम पे तो पहुंचा है। मैं भी आ गया खाने के लिए अभी इस वक्त। तो गाइस मैं खाऊं क्या? धीरे धीरे हम लोग जमा हो रहे हैं, तो और एक आ रहे हैं, बोले किसी को बोले। तो अभी अभी तक हम लोग 4 बजे जमा हो गए, 1 2 और कितने नीचे हो जा रहे, 3 4। तो गाइस बता दे कि अभी बहुत जोर से पानी मार रहा है ना, आप देख सकते हैं। अभी बज रहा है 3:47 हो रहा है, इतना जोर से हवा पानी दोनों एकदम, हवा भी जोर से चल रहा है पानी। तो आज हम लोग का उद्योग कार्य नहीं होगा, क्योंकि इतना जोर से पानी मार रहा है तो इसमें उद्योग कार्य होगा। जख्म दिल में लगाए, सूरज भी दिख रहा है और पानी भी मार रहा है, क्या अजब की कहानी है। तो गाइस अभी बता दें कि अभी हम लोग गाना सीखने आए हैं, मतलब गाना अभ्यास करने के लिए आए। संडे को हम लोग चर्च में, बड़ा चर्च में गाना चलाना है, गाना संचालन करने के लिए मिला है। तो बस 3-4 लोग हैं जो गाना छाट रहे हैं। तो चलिए मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये लोग गाना क्या छाँटेंगे, लोग बजाने में सब ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बस बड़ा प्रचार है जो केवल छाँट रहे हैं, बाकी ये तो अंदाजे बजाया जा रहा है, ये भी अभ्यास कर रहे हैं बजाने का। बाकी उधर मुखिया सर और सचिव सर हैं, छाटने का कोशिश कर रहे हैं। सो हेलो गाइस, मैं फिर से अभी जुड़ गया, पानी खत्म हो गया उसके बाद, अभी पूरा अच्छी मतलब पूरा पूरा साफ से पानी छोड़ दिया, मतलब पूरा पानी खत्म हो गया। पानी मार के तो भयानक कर दिया, सब तरफ कादो कादो कर दिया है, पानी मारा फिर भी से अभी पूरा मौसम साफ कर दिया, मतलब पानी मारा आधा घंटा जैसा भयानक टाइप का पानी मारा था, पत्थर पानी तो नहीं मारा पर पानी भयानक जबरदस्त मारा था, और अभी छोड़ दिया है। तो हम लोग हॉस्टल से बाहर निकल गए हैं, पूरा देख सकते हैं पूरा साफ दिख रहा है, पानी हल्का हल्का दिख रहा है खेत में, देख सकते हैं अभी। तो सब अपना अपना लोग मोबाइल धर के बैठ गया है,
लुकस सर, अरे लुकस सर बोलते हैं, याकूब सर है, ये बोलते नहीं है, ये हाथे केवल हिलाते हैं। सो गाइस, फिर से मैं आप लोग के साथ जुड़ गया हूँ। तभी रात के कितने बज रहे हैं? 9:30 बज रहे हैं। तो अभी सारे लोग पढ़ रहे थे, बाकी बीच में लाइट चली गई थी तो सारे लोग मतलब सोने चल गए थे। कोई कोई अपना मोबाइल लाइट से पढ़ रहे थे, तो फिर बाद में लाइट आ गई। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, ये सर अभी प्रोजेक्ट बना ही रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और ये सर तो और मेहनत कर रहे हैं, और ये सर भी बना ही रहे हैं। सब अपने अपने प्रोजेक्ट कार्य में बिजी हैं। हाय रंजन राम सर, प्रमोद सर, रंजन राम, सारे लोग प्रोजेक्ट ही बना, कोई नहीं पढ़ता, सिर्फ प्रोजेक्ट। एक चीज़ बताते हैं कि यहाँ अगर आइएगा ना तो मुरुख प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, एकदम इतना प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, इतना प्रोजेक्ट कि आप कभी सोचे नहीं होंगे। और एक चीज़ बता दें कि सेकेंड ईयर आप ख़त्म होने वाला है ना, तो इतना प्रोजेक्ट मिला है ना कि मत पूछिए, बहुत प्रोजेक्ट मिला है। पूछे। एक एक सब्जेक्ट का दो दो प्रोजेक्ट, तीन तीन प्रोजेक्ट मिलता है। लोग बनाते बनाते लोग का तो हाथ दर्द देने लगता है, मेरा भी देता है, पर हम नहीं बनाते हैं। मतलब बनाए नहीं, बनाना ही पड़ेगा, चाहे जितना भी मिले प्रोजेक्ट आपको बनाना ही है। अब बाकी यहाँ का पढ़ाई लिखाई तो एक नंबर होता है, एकदम मस्त होता है, उसके लिए आपको कोई टेंशन नहीं है, एकदम पूरा झकास पढ़ाया होता है। कोई भी दिक्कत, परेशानी, मुसीबत, कठिनाइयाँ हो तो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं, बताने के लिए तत्पर रहते हैं। न्यू ज्वाइनिंग के लिए फॉर्म मार्च में शायद निकलने वाला है, तो अगर कोई आना चाहते हैं तो विजिट कर सकते हैं एक बार, या तो फिर मैं तो बताऊंगा ही, वीडियो में मैं दे दूंगा कब निकलेगा, कब निकलने वाला है, ये चीज़ बताऊंगा। पर सुनने में आया है कि 1 महीना बाद मतलब फॉर्म निकलेगा, तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। अगर कोई आना चाहते हैं तो आमंत्रित है एक शिक्षक बनने के लिए। बहुत ही मज़ा आता है हॉस्टल में, यहाँ खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, सोने के लिए तो और दिक्कत नहीं है, सारा चीज़ अच्छा मिलता है। तो गैस आज के लिए बस इतने ही, तो चलते हैं सोने, अब नींद भी लग रहा है, तो चलता सोने। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।